पवन सर प्लीज अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए और हम लोग वेलकम करते हैं पवन सर का, और अपने इंट्रोडक्शन के बाद फिर अपन क्लास शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल। Myself, Dr. Pawan from Hyderabad. I am practicing since 4 years. I have done my homeopathic degree through Devas Homeopathic College. 2017 में passed out हुआ मैं। उससे मैंने एक 6-7 महीने के बाद प्रैक्टिस शुरू करा था। तब से मेरा प्रैक्टिस चालू है। मैंने इंटर्नशिप से माइंड मेथड पे आया था। मोहंती सर की पहले सेमिनार मैंने सुन के उसके बाद से मैंने पूरा अपना प्रैक्टिस बदल दिया हूँ। एक्चुअली आई वांट टू आस्क, इंग्लिश या हिंदी? बोथ चलेगा, दोनों चलेगा। हिंदी सर। हाँ हिंदी हिंदी। ओके ओके यस सर हिंदी। फाइन सर फाइन। ओके तो मैंने उसके बाद से पूरा माइंड मेथड से प्रैक्टिस चालू रखा था, और जब से मुझे उससे आंसर्स मिल रहा था मैंने माइंड मेथड के बुक्स पढ़ाई करना था, और आशा के सेमिनार्स और HHF के और MRSD ग्रुप और अभी HSH ग्रुप और अशोक सर से और पूरा टीम से पूरा ये लॉकडाउन की मैंने फायदा उठाया था। तब से मेरा माइंड मेथड के और डीप प्रैक्टिस शुरू हुआ था। और मेरा पेरेंट्स पूरा बैकग्राउंड इज बिजनेस बैकग्राउंड है, नो वन इज एनी डॉक्टर हियर, एंड माय पूरा सिबलिंग्स कजिन्स का गैंग भी पूरा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ही है। आई एम ओनली अलोन डॉक्टर इन माय फैमिली। तो अभी मेरा दूसरा क्लिनिक 1 साल के पहले शुरू हुआ था, तो अभी 2 क्लिनिक्स मेरे हैं। ठीक है, shall we get into the case sir? Okay, please start kijiye. Everyone ready? Okay. Yes sir. जी जी. Yeah. तो ये case मेरा friend का husband है, उनका friend है। तो माने कि 2017 में उनका शादी हुआ था मेरे friend की। तो उनका शादी में मैंने इनसे मिला हूँ। ये आदमी 28 ईयर्स था तब, माने कि 2017 में शायद अभी 31 ईयर्स होगा, 31-32 ईयर्स होगा। तो ही इज ए ग्रेजुएट, ही इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मेरा तेलंगाना है। तो मैंने उनका शादी में मिला हूँ इनसे। तो आई नरेट दिस केस ओरली ओनली बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव एनी लॉन्ग लेंथी जिस्ट ऑफ द केसेस, सो जस्ट लिसन टू दिस केस। तो वो टाइम पे मेरा फ्रेंड का हस्बैंड ने बताया था उनको IBD है बोल के। तो मैंने पूछा था तो अभी यहाँ पे इलाज चल रहा होगा शायद अभी मेरे वहां आने का, क्योंकि मेरा वहां आने के लिए उनको ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। तो मैंने वही बात पूछा था, शायद ये इतना दूर आने की आवश्यकता मुझे तो नहीं लगा था, क्योंकि वहां पे भी होम्योपैथ डॉक्टर्स होगा ये तो बहुत बड़ा शहर भी है। तो मैंने वही बात बोला। तो उनके बाद उन्हें बोला है नहीं नहीं, ही स्टेज इन हैदराबाद, ही वॉन्ट्स टू शो अप टू सम होम्योपैथी बिकॉज एलोपैथी इज नॉट वर्किंग टू हिम। तो मैंने ठीक है बोला, उनको आने के लिए कह दिया। तो उसके बाद उन्हें आ गया था मेरे क्लिनिक को, शायद 1 महीने के बाद होगा। तो मेरे क्लिनिक को आने के बाद ये केस कैसा है मैंने बता दूंगा आपको। तो he's age is 28, unmarried है, he's a graduate from Andhra Pradesh. He works for a private bank as a third party person, only in night duties. He works for the bank. Initially he suffered with this constipation only. तो मैं कुछ इलाज नहीं लिया था, 1-2 हफ्ता हुआ था। तो उनको 1 हफ्ता में 1 बार या 2 बार ही motion आ रहा था। तो उन्हें उनका फ्रेंड्स को बताया था। तो उनको उन लोग बोला है कि शायद डल्कोलिक्स ले लीजिए, एक लैक्सेटिव बोले, तो उन्हें ले लिया था। लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर भी वो लेने के बाद अगले दिन से फिर यही तकलीफ शुरू हो रहा था। तो उसको और पेट का दर्द भी अक्सर आने लगा था। तो उन्हें सोचा था कि शायद एक फ्रेंड से पूछा है, तो उन्हें बोला है
सर मैं एक एलोपैथी का जनरल फिजिशियन का रेफरेंस दे दिया है, तो उनके पास ये पेशेंट ने गया था, तो उन्हें कुछ लैक्सेटिव्स और कुछ उन लोगों का प्रोटोकॉल जो रहता है उन्हें दे दिया था। लेकिन तब से इनको क्या हो गया ना, डायरिया चालू हो गया था, कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो गया, डायरिया चालू हो गया था। तो उसको हर रोज डायरिया आ रहा था, कि माने कि हर रोज 3 बार या 4 बार ऐसे ही आ रहा था अक्सर। तो उसके बाद उन्हें क्या किया था, उन्हें फिर एलोपैथिक डॉक्टर के पास फिर गया, तो उन्हें बोले अभी मैं आपको दवा चेंज कर दूंगा, शायद आप ये कुकुम्बर ये सब ले रहे हैं ना कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम की वजह से, उन्हें वो टाइम पे बनाना और कुकुम्बर और कुछ ले रहा था, उन्हें कुछ बोला था वो टाइम पे डाइजेशन इजी होने के वास्ते ये सब ले रहा था, तो उन्हें डॉक्टर ने ये भी काटने के लिए कह दिया था। तो उसके बाद उन्हें वो जो बोला है डॉक्टर वैसे ही किया था। लेकिन जब से उनका डायरिया ऐसा हो गया था कि माने कि इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग मील, माने कि मॉर्निंग 9:30 को ब्रेकफास्ट ले रहा था और आधा घंटे के बाद 10 बजे को फिर उन्हें स्टूल को जा रहा था, वो भी ऐसा इमीडिएटली आता है। लाइक ही सेज दैट व्हाटएवर इट माइट बी द फूड टाइप ऑफ द मटेरियल ऑफ द फूड, आई विल गो फॉर स्टूल इमीडिएटली टू पास आउट, इफ नॉट आई मे पास आउट इन इवन इन माई इनर्स, दैट वॉज हिज कंडीशन। तो मुझे लगा कि ये कुछ एग्जैगरेट कर रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ही सेइंग सिंस 4.5 years, तो उतना ज्यादा तो नहीं होगा। तो मैंने फिर पूछा था, नहीं सर यू कैन आस्क इवन विद माई फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, मेरा फ्रेंड में फ्रेंड का शादी में भी मैंने ऐसे ही किया था, इसलिए मेरा फ्रेंड ने आपको बताया। सो आई गॉट द इंटेंसिटी फ्रॉम दिस फ्रेंड ऑल्सो, ही हैज अफर्म्ड इट, ही इज रियली सफरिंग विद दिस कंप्लेंट very much. Hi John. Yeah, just a moment, he is my classmate. Welcome man sir, welcome Pawan sir. Welcome man sir, thank you for coming sir. Pawan sir again pura case shuru se le lenge hum. Haan. Hai na? To ye case 28 years ka umar ka ladka ka case hai sir. 4 saal pehle maine le chuka hu ye case. Mera friend ka pati ka friend hai. To wo ladka kaam karta hai ek private bank mein, night duty karta hai. तो अभी पहले उनको कॉन्स्टिपेशन हुआ था, उसके बाद उनको 2 हफ्ता तक वैसे ही चला था, तो इन्हें बीच में डल्कोलेक्स लिया था लैक्सेटिव, उनका फ्रेंड के एडवाइस के बाद उन्हें एक एलोपैथिक फिजिशियन के पास गया था, तो उसके बाद उनसे ये ठीक नहीं हो रहा था, और उसके बाद ये कॉन्स्टिपेशन से डायरिया तक बदल गया था। तो इसको इतना तकलीफ हो रहा था कि हर रोज 3 से 4 बार, माने कि हर मील के बाद एक बार उन्हें मोशन को जाना पड़ता था, अगर इन्हें कुछ रोकने की प्रयास किया हुआ तो ये इनर्स में भी पास करने का हो सकता था, उतना अर्जेंसी आ रहा था। तो मैंने ये बात मुझे ठीक नहीं लगा था कि शायद इन्हें एग्जैगरेट कर रहा बोल के मैंने इनका फ्रेंड को भी एक बार पूछा था, ऐसा हो रहा है क्या, माने कि शायद इन्हें एग्जैगरेट कर रहा बोले मुझे लगा था, तो मैंने वो भी कंफर्म किया था, इसलिए मैंने आपको मेरा शादी में इनको मिलाया था, इसलिए उनका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, तो मैंने आपको ये केस के बारे में बताया, तो ठीक है बोल के मैंने कंटिन्यू किया था। तो इनको लगभग 4.5 साल से ये डायरिया से चल रहा था, माने कि 9:30 को ब्रेकफास्ट कर रहा है बोले तो 10 o'clock डायरिया, 10 लंच को डायरिया, डिनर को डायरिया, सुबह भी डायरिया, ऐसे ही चल रहा था। तो मैंने पूछा था आपको इसको लेके क्या चिंता हो रहा था, तो उन्हें बोला नहीं मुझे शायद ये हैबिचुएट हो गया सर, मुझे ऐसा ज्यादा परवाह नहीं लग रहा है अभी, तो स्टार्टिंग में तो लगा कि मुझे अभी कुछ गड़बड़ लग रहा था, कुछ डर हो रहा था, ये अगर आ रहा बोले तो मैं तुरंत वॉशरूम को निकल जाना पड़ता था, अभी ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं अभी खाना खाया हूँ ना
शायद वहां पे अगर ये वॉशरूम है तो मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। तो इनका लाइफ में एक चीज बन गया था, एक कॉमन सिम्टम बन गया था उनको, एक डिफरेंस कुछ नहीं लग रहा था ये प्रॉब्लम के बारे में। तो उसके बाद उन्हें मेरा फ्रेंड से मिला था, उन्हें मेरा फ्रेंड फ्रेंड के बारे में कुछ बोल रहा था, और उसके बाद ने इन्हें अपने के बारे में बोल रहा था, ये फैमिली लाइफ के बारे में और उनका पर्सनल लाइफ के बारे में। तो पहले फैमिली लाइफ के बारे में बोला था क्योंकि ही नोज व्हाट इज होम्योपैथी एंड हाउ होम्योपैथी केस टेकिंग इज हैपनिंग विद हिम, क्योंकि मेरा फ्रेंड भी एक होम्योपैथी डॉक्टर है, उन्हें कुछ बोला है इनको आने के पहले, ऐसा ऐसा होगा, आप कुछ भी मत हाइड मत करिए, ऐसा कुछ बोला था। तो उनके बाद उन्हें ऐसा बोला था, मेरा पिताजी एक ड्रंकर्ड है तो उन्हें हर रोज पीता था और ऐसा मारता पीटता ऐसा कुछ नहीं रहता था, लेकिन उन्हें किसी से भी कनेक्टेड नहीं रहता था घर में। मैं हर हमारा घर में चार लोग रहता था, मेरा बड़े भाई, माँ, पिताजी, चार लोग रहते थे। बचपन में ऐसा लगता था कि मुझे मेरा पिताजी अगर मुझे मैं अगर बाहर जा रहा हूँ, कुछ खेल रहा हूँ, कुछ स्कूल में कंपटीशन जीता हूँ या कहीं पे भी कुछ, उनका सपोर्ट नहीं मिला था। तो मैंने पूछा था ये सपोर्ट माने कि क्या है, तो सपोर्ट माने कि सर ऐसा रही है कि मैं अब अगर स्टेडियम से नीचे उतर रहा हूँ, ऐसा ऐसे इन्हें दिखाया था 1 2 3 ऐसा, तो दिखा के अगर ऐसा नीचे उतर रहा वो टाइम पे मुझे हाथ पकड़ना, मेरा उंगली पकड़ना, ऐसा कुछ भी होता नहीं था सर। मैं अगर किसी में जीता हूँ किसी में हारा हूँ उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, और मेरा माँ उनको ही सपोर्ट करती थी सर, माने कि वो पिताजी ऐसा ही है तो उसके बारे में क्यों चिंता ले रहा है। तो उन्हें मैंने पूछा था अगर माँ ने एंकरेज किया था बोल के, तो उन्हें बोलिए नहीं नहीं सर माँ भी वैसे ही है, माँ उनके काम पे लग जाती थी क्योंकि पिताजी पूरा बाड़ा जो भी उनको आता है वो पूरा उन्हें खर्च करता था, तो उन्हें घर के वास्ते उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था। ठीक है, तो बड़े भाई आपसे कितना उम्र ज्यादा है, तो उन्हें बोला है 3 4 साल है सर। तो मैंने पूछा उनसे आपका रिश्ता कैसा है सर, उन्हें भी कैसा रहता ना सर, मैंने 6 ईयर्स के बाद 6 या 7 ईयर्स के पहले 2013-14 में जॉब किया था, पहले फर्स्ट जॉब, तो वो टाइम पे मेरा पगार था 11,000-10,000 ऐसे रहता था। तो मेरा भाई कॉल करता है मुझे, भाई मुझे 2,000 भेजा दो, ऐसे ही रहता है, कुछ भी ऐसा बॉन्डेज बचपन से नहीं है मुझे उनसे, क्योंकि मैंने उनसे ट्राई किया कोशिश भी किया तो भी उन्हें अटैच होने का ना वो रिसीविंग एंड नहीं रहता है उनके पास। ठीक है, तो आपका लाइफ में कौन सा चीज है ऐसा आपको बहुत पसंद है, तो उन्हें तुरंत बोला, तुरंत देयर इज नो गैप इन द वर्ड्स, इमीडिएटली ही सेड दैट आई लव माय फ्रेंड सर। तो मैंने पूछा ये फ्रेंड्स के बारे में एक बार बता दीजिए, तो उन्हें बोला है सर मुझे बचपन से बहुत ज्यादा दोस्त है सर, इतना दोस्त है कि अब पूछिए भी मत। तो मैंने पूछा शायद एक नंबर की एक नंबर बोलना बोले तो आप कितना दोस्त बोल सकते हैं, 100+ है सर। ठीक है, तो आपको नो नो डोंट कम टू एनी कंक्लूजन ऑफ रेमेडीज, दिस इज जस्ट अ केस, आफ्टर केस वी विल एनालाइज द रेमेडी, प्लीज डोंट गिव एनी मेडिसिन नेम्स। ओके, तो उन्हें बोला है मैं मुझे बहुत सारे दोस्त है सर, तो आप ये डिग्री क्यों किया था, क्योंकि आप एमपीसी किया है, मैथ्स आपको आता है बोला है, लेकिन आप ये नॉर्मल डिग्री बीकॉम क्यों किया है। तो उन्हें बोला है सर मुझे पहले इंटर में मैं ज्वाइन किया था, तब भी मेरा फ्रेंड्स कर रहा था एमपीसी में, मुझे मैथ्स भी पसंद नहीं है फिर भी मेरा दोस्त कर रहा बोले थे, मैं भी उनके साथ वही कॉलेज में ज्वाइन हो गया था 10th क्लासमेट्स की वजह से। तो उसके बाद मैंने ऐसा हुआ था कि एक सिचुएशन आया था, मेरा फ्रेंड्स पूरा वहां पे टाउन में वो लोग भी डिग्री कर रहा था, मुझे लगा कि शायद मैंने उन ये दोस्तों को छोड़ के मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है मैं भी फिर वही करता हूँ, उन लोगों की सहारा लेके मैं भी वही डिग्री ले लेता हूँ बोल के उन्हें फिर डिग्री ले लिया था बीकॉम, उसको पसंद भी नहीं था
फिर भी खाली वो फ्रेंड लोग की एडवाइस और फ्रेंड लोग कर रहा बोले तो इन्हें भी कर चुका है, और डिग्री के बाद शायद 1.5 साल उन्हें घर में ही बैठा है, कुछ काम नहीं, कुछ काम धंधा नहीं कर रहा था क्योंकि वो डिग्री से उनको कुछ भी ऐसा जॉब नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद उन्हें फिर एक फ्रेंड ने एडवाइस किया है, मेरा एक ऑफिस है वहां पे रिसेप्शनिस्ट का काम काली है, आप आ जाइए। तो ठीक है, फ्रेंड बोला बोल के इन्हें वहां पे निकल गया था। हैदराबाद को उन्हें जिंदगी में पहली बार आ चुका है, उसको कुछ भी पता नहीं, वहां पे कुछ भी कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, फिर भी उनका एक कॉल की वजह से इन्हें निकल गया था। वहां पे पगार भी मिल रहा था शायद 8,000 या 9,000 मिल रहा था 2014 में। तो उसके बाद वहां पे अच्छा फ्रेंड्स हो गया, नया नया रिश्ता मिल गया, तो उन्हें फिर दोस्त बन गया था वहां पे, और हर इवनिंग हर शाम ऐसा रहता था, अच्छा माहौल रहता था इन लोगों की वजह से। तो मैंने पूछा था तो आपको लाइफ में दिक्कत कब आया है, तो उन्हें बोला है सर मेरा लाइफ में दिक्कत आया है 4.5 साल पहले। तो मैंने पूछा है क्या दिक्कत आया था, तो उन्हें बोल रहा था कि सर एक फ्रेंड था मेरा लाइफ का, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेंड है। तो मैंने पूछा ये क्या किया है, तो उनका लाइफ में ऐसा चीज हुआ था सर, उनका शादी एक लड़की को भगा के शादी किया था, ये पेशेंट ने उनको हेल्प किया है, और उसके बाद उन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, लेकिन इनको मिल रहा था पगार जब वो टाइम पे 13,000 में इन्हें उन लोगों को हेल्प कर रहा था, ये भी आप समझ लीजिए, और उन लोगों को गाड़ी दिलाया था और एक फ्लैट में रेंट लगाया था, और वो लड़का को दूसरा जगह पे काम में लगवाया था, ये पूरा हिस्सा इन्हें कर रहा था। और एक बार उनको पैसा की जरूरत रहे तो इन्हें क्या किया, इनका क्रेडिट कार्ड से उनको शायद 1,00,000 या 2,00,000 का कुछ खरीदवा के दिया था, लेकिन वो क्या किया ना सर, वो पेमेंट नहीं कर रहा था, हर महीने का ईएमआई नहीं भर रहा था, और गाड़ी का ईएमआई नहीं भर रहा था, और रेंट भी नहीं पे कर रहा था, और जो भी उनको मैंने पैसे दिया था या 40,000 या 50,000 जो भी दिया था वो भी नहीं दिया रहा था वापस। तो आपने क्या किया था, तो मैंने आराम से उनका मिसेस से पूछा हो सर आप ऐसा क्यों कर रहा है बोल के, तो इन्हें बोला है कि वो मिसेस बोला है मैं बोलूंगा भैया आप चिंता मत करिए मैं आपको पैसा भिजवा दूंगा, ये फर्स्ट मीटिंग में बोला था। तो 2 महीना चल रहा, 3 महीना चल रहा, इनको पूरा इनका सैलरी पूरा काट रहा था वो क्रेडिट कार्ड की वजह से। तो उन्हें एक बार फिर जाके बीच में पूछा था, वो पेशेंट का फ्रेंड नहीं था वहां पे, तो इन्हें उनका मिसेज से पत्नी से पूछा था, वो बोले वो आउट ऑफ स्टेशन है। तो उसके बाद फिर इनको बहुत गुस्सा आया था, गुस्सा आने के बाद इन्हें क्या किया, और 4-5 लोगों को लेके उनको घर को गया था, वो भी फ्रेंड से, कोई ऐसा गुंडागर्दी नहीं कर रहा था, जाके फ्रेंड से लेके गया था, कॉमन फ्रेंड्स। वो टाइम पे वो उनका मिसेस और हस्बैंड, वो इनका फ्रेंड दोनों था, इन्हें क्या किया था, उनसे आराम से पूछ रहा था, लेकिन उन लोगों से ऐसा आ रहा था सर आप पूछिए भी मत, उन लोग ऐसा चिल्ला रहे मेरे ऊपर, मैंने ऐसा कुछ कांड किया है उन लोगों को, जैसा कि कहीं पे भी कुछ नेगेटिव करके उन लोगों को कुछ क्या बोल सकता है फंसाया बोल के ऐसा बोल रहा था। तो मैंने पूछा था मेरा पैसा वापस दे दीजिए, मैं आप लोगों से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा बोल के बोला था, वो लोग कुछ उल्टा सीधा बोला कहते, और उसके बाद वो उनका मिसेज भी बोला है आप मुझे गलती से देखा था, गलती से छुआ था, ऐसा कुछ बोल रहा था वहां पे, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा नेगेटिव सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है वो लेडी ने, तो बहुत गड़बड़ सिचुएशन क्रिएट किया है। लेकिन इन्हें बोल रहा था कि शायद ये पैसा छोड़ दीजिए, मैंने आप लोगों से अच्छा रिश्ता को रखने के लिए मैंने सोचा था, क्योंकि अभी 8 महीने से आप लोग पेमेंट भी नहीं किया था, मैं फिर भी मैं उनके वो चीज के बारे में नहीं, हाँ ठीक है मान सर तब तक कुछ बढ़ा दीजिए। हेलो
ऐसे तो कुछ ऐसे इमीडिएटली कुछ माइंड में नहीं आ रहा, माइंड पे नहीं आ रहा। करीब उस समय 6 साल की थी और उसके फादर मदर लेके आए थे मेरे पास। वो शशांक सर आपके पास है, मेरा उसका वीडियो है, आप शो कर पाएंगे क्या? हाँ सर, अभी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हेलो, हाँ पवन आ जाओ। हाँ सॉरी सर, मेरा यहाँ पे कुछ पावर का गेम चल रहा है। चलेगा। हाँ तो कुछ उल्टा सीधा माहौल किया, क्रिएट किया कर रहा था वहां पे। तो उसके बाद इन्हें वहां पे वापस आ गया था घर को, घर को वापस आके ऐसा बहुत रोया था घर घर जाने के बाद। ठीक है ठीक है ठीक है, स्मार्ट दिख रहा है। पहले दिखना तो चाहिए ना सर। क्या तो उन्हें घर जाके बहुत रोया गए थे, तो उनके फ्रेंड्स भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो उन लोग बोला है आप 4-5 दिन नॉर्मल नेटिव चले जाओ बोल के बोला था। तो उनको लगा है ठीक है एक बार जाऊंगा बोल के वहां पे गया था, लेकिन वहां पे भी इसको आराम नहीं मिल रहा था। तो उन्हें क्या किया है उसके बाद, एक 4-5 दिन तक ऐसा ही रह गया सर। और बीच में इन्हें पहले बार शराब भी पीने का शुरू किया था। तो मैं पूछा था अभी भी आपको यही आदत है क्या? तो उन्हें बोला है नहीं सर मुझे ऐसा कुछ आदत नहीं है। तो मैंने पूछा था आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आई वॉन्टेड टू कन्फर्म द रेमेडी। तो आई हैव आस्क्ड हिम टू क्वेश्चंस, यू वांट मनी और एल्स यू वांट समथिंग अदर एल्स। तो उन्हें पूछा है सॉरी इन्हें बोला है नहीं नहीं आई डोंट वांट एनी मनी फ्रॉम हिम सर, आई वांटेड ए कॉर्डियल रिलेशनशिप। ऐसा रिलेशनशिप मैंने उनसे बिताया था 2.5 साल उनका मिसेस के साथ, हम तीनों बहुत अच्छा फ्रेंड्स थे, ऐसा माहौल मुझे अभी चाहिए। लेकिन जब से मुझे 4.5 साल से कोई भी बंदा मुझे ऐसा मिला ही नहीं सर, और शायद मेरे वजह से भी होगा। आई डिड नॉट कनेक्टेड टू एनी वन आफ्टर दैट इंसिडेंट, आई डिड नॉट टेकन एनी वन इन टू माई कॉन्टैक्ट। आई हैव वर्किंग, आई हैव चेंज इन माई ऑफिस फ्रॉम देन, आई हैव चेंज टू ऑफिस, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स फ्रॉम देन। आई आस्क्ड डोंट यू हैव एनी फ्रेंड्स, इज दैट पॉसिबल? Yes, sir, you can even ask even my colleagues also. They only say that this person, X person, only works for the office and after that he just gets out of the office. He doesn't even attended any functions of them, any office ki get togethers attend nahi karta hai. Jo bhi extra curricular activities rahega, wo bhi attend nahi karta hai. Kuch bhi rahne do. He will just avoid the things. That is the scenario after the broken relationship. तो मैंने पूछा था अभी वो लड़का से आप रिश्ते में है क्या, फ्रेंडशिप में है क्या? तो उन्हें बोला है नहीं नहीं सर आई डोंट इवन वांटेड टू सी हिम, बिकॉज उन्हें ऐसा क्रिएट किया है सिचुएशन को। बीच बीच में मुझे भी लग रहा था कि शायद मैंने इन लोगों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया होगा। मैंने बचपन में जो नहीं मिला था फैमिली से, मुझे वो मिल रहा था इन लोगों से, लेकिन अभी जो मुझे चाहिए वो किसी ने भी नहीं दे सकता है, जिंदगी में किसी ने भी नहीं दे सकता है वो चीज। मैंने पूछा है क्या चाहिए आपको? सर कुछ नहीं है सर, मैंने पहले भी बोला है ना सर, जब मैंने सिटी को आया था हर शाम फ्रेंड्स के नाम ऐसा ही रहता था, लेकिन अभी माहौल ऐसा नहीं है सर। हर शाम मुझे गम में बिता रहा हूँ, एक गार्डन में गया तो भी मुझे वही याद आ रहा है, एक मूवी गया तो वहां पे एक सीन दिखाया तो मैं उसी में इन्वॉल्व हो रहा हूँ। जो भी सिचुएशंस कनेक्ट हो रहा है मुझे वही से कनेक्ट हो रहा है, जिंदगी ऐसे ही रहेगा, दुनिया ऐसे ही रहेगा। तो मैंने पूछा है दुनिया कैसा रहता है? तो उन्हें बोला है सर मेरा आंसर आपको सुनने के बाद बहुत शौक हो जाएगा। तो मैंने बोला है आपको ऐसा क्यों लग रहा है मैं ऐसा शौक हो जाऊंगा? तो उन्हें बोला है This world is dangerous, sir.
very cruel people are living in and around me. In and around me, he said this word. तो मैंने पूछा है क्रुएलिटी का मतलब क्या होता है, तो उन्हें बोला है साम सर, ऐसा दिखाया था साम, क्या साम पे, साम का मतलब क्या होता है, तो उन्हें तुरंत बोला था जो भी आपको एक साम को खिला दीजिए, बचपन से एक बच्चा के साथ आप उनको बड़ा क्या बोलते हैं ग्रो अप कर दीजिए, साम साम पी रहता है क्योंकि वो पॉइजन से भरा चुका रहता है और पॉइजन से ही रहता है। अब अगर वो प्यार से आपके साथ आके एक ऐसा करा तो भी, एक बाइट दिया तो भी आप मर जाएगा। तो अभी ऐसे ही हुआ सर, शायद ये प्यार से हुआ होगा नहीं तो दुश्मनी से हुआ होगा, लेकिन हुआ है। तो दिस इज द केस, आफ्टर फर्स्ट मेडिसिन ही हैज इम्प्रूव्ड इन डिफरेंट वे, मतलब कि ही हैज इमीडिएटली सेड इन द फीडबैक आफ्टर वन वीक, सर आई हैव गॉट गुड रिजल्ट्स विद योर मेडिसिन। तो उन्हें बोला है सर मुझे अभी नींद अच्छा से आ रहा है और मैंने दो फ्रेंड्स को बनाया है। तो मैंने पूछा है दो फ्रेंड्स कौन सा एरिया से बनाए, तो मैं उन्हें तुरंत बोला है अभी मैंने जो ऑफिस से काम कर रहा हूँ वही ऑफिस में दो फ्रेंड्स को किया है, अभी ये ऑफिस में इन्हें 1.5 साल से काम कर रहा था, उन्हें खुद बोला था 1.5 साल से उन लोगों से कुछ रिश्ता नहीं लगाया था, ठीक है। उसके बाद उन्हें बोला है लेकिन डायरिया ठीक नहीं हो रहा था सर, लेकिन मुझे अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है सर आपका मेडिसिन के बारे में। तो इसके बाद इन्हें क्या किया है, फिर सेकंड फॉलोअप में इन्हें घर को गया है, और जाने के बाद वो क्योंकि बीच में ये दशहरा की फेस्टिवल आया था, पहले इन्हें अगस्त में आया था और सितंबर एंडिंग में दशहरा था वो साल में, तो उन्हें वो टाइम पे फैमिली से एक अच्छा सा रिश्ता बनाया था, क्योंकि पहले एक फीलिंग रहता था दिस फैमिली इज लाइक दिस ओनली, दे डोंट गिव व्हाट आई वांटेड। तो उसके बाद इन्हें फैमिली से भी जुड़ा है, और भाई को बड़े भाई जो था उनको इनके रूम में रख के ये उनका उनके एक को कुछ जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, पहले ऐसा कुछ नहीं किया था इन्हें, इनको जॉब आने के बावजूद भी उनको कुछ भी हेल्प किया नहीं किया था। उसके बाद तीसरा फॉलोअप में इनका डायरिया और जो भी पेट का प्रॉब्लम था सब ठीक हो गया था। दिस इज द केस माय फ्रेंड्स। सो एनीवन वांट्स टू से द रेमेडी, लैकसिस बोला है गायत्री प्रभा और रस ग्लैबरा क्यों लग रहा है आपको, और शोभा मैडम बोला है एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट बिट्रेल फीलिंग डेल्यूजन सराउंडेड बाय स्नेक, तमन्ना मैडम बोल रहा है हायोसैमस, ओके वेरी गुड, और कुछ बोल सकता है, ओके एलिमेंट्स फ्रेंडशिप डिसीव्ड एलिमेंट्स मॉर्टिफिकेशन डेल्यूजन स्नेक्स, ओके वेरी नाइस गुड चॉइस ऑफ रूब्रिक्स, ओके लैक ह्यूमैनम वेरी गुड, व्हाई लैक ह्यूमैनम एनी जस्टिफिकेशन रीजंस, तमन्ना मैम व्हाई हायोसैमस एनी रीजन, अशोक सर मैं दवा बोल देता हूँ, रुक रुक करके एनालिसिस करेंगे फिर लास्ट में दवाई बोल देंगे, हाँ हाँ ठीक है, तो मैं एक पीपीटी दिखा देता हूँ सर, ये शेयरिंग कैसा कर रहा हूँ कर सकता हूँ, वो 3 डॉट बने हैं ना रेड माइक के किनारे, हाँ. हाँ हाँ सर 3 डॉट पे, 3 डॉट पे जाइए, हाँ और नहीं उसके ठीक किनारे एरो का निशान है ना 3 डॉट के किनारे, 3 डॉट हाँ हाँ सर, हाँ वहाँ जाके और पहले से खोल लीजिएगा आपका जो शेयर करना है और वहाँ जाके फुल स्क्रीन में जाके और शेयर हो जाएगा, आपको दिख रहा है सर अभी पीपीटी आ रहा है हाँ। So this is my gurus, Dr. Shankar sir or Dr. Ashok Mohanty sir. So respects and gratitude to them. So first, this remedy, sir, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ जी सर दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ। तो पहले ये एक अच्छा सा nature loving person है। उन्हें कुछ बोला है। He doesn't want money. He just wants some
रिलेशनशिप्स, नेचुरल थिंग्स, नॉट द आर्टिफिशियल थिंग्स. पैसों का या लालच नहीं है इनको, और बहुत तृप्ति वाला पर्सन है, कंटेंटेड पर्सन है. कंपनी डिजायर्स फॉर रिलैक्स ऑफ दोस शिकन. मतलब ये रूब्रिक का मीनिंग ये आता है, इन्हें कुछ कुछ बोला है, सर मुझे हर रोज शाम दोस्तों को नाम, दोस्तों के नाम. मतलब ये इसका मीनिंग ये है कि ही कैन रिलैक्स विद देम बाय दिस रिलैक्स्ड नेचर. फ्रॉम दिस रिलैक्स्ड एंड कंटेंटेड फीलिंग ही फील्स प्रोटेक्टेड बाय देम. और इन्हें अगर वो 100 ml ऑफ लव दे रहे हैं, इन्हें 1 liter का लव रिटर्न देने वाला आदमी, दिस इज एग्जाल्टेड, दिस इज नॉट नॉर्मल स्टेट, दिस इज एक्सट्रीमनेस. बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीम स्टेट ओनली ही इज बीइंग अफेक्टेड बाय दैट, एंड ही वॉन्ट्स टू प्लीज एवरी वन. इसलिए इन्हें 10th के बाद में मैथ्स ले लिया था. इनको कुछ मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी फ्रेंड्स को ना बोलने का वो नहीं आ रहा था, इसलिए इन्हें एमपीसी पे आ गए. एमपीसी से बीकॉम किया था. इसको कुछ भी इंटरेस्ट भी नहीं था डिग्री में, लेकिन किया था. दोस्त ने बुलाया था, जॉब कर रहा था. वो क्या जॉब था? रिसेप्शनिस्ट का जॉब था. लेकिन इनका अंदर एक ये हॉटीनेस भी है. वो हॉटी क्या है ना, इन्हें इतना लव दे रहा है, दिस इज हॉटीनेस ऑफ दिस रेमेडी. और वो दूसरा पर्सन लेना ही लेना है, अगर नहीं ले रहा बोले तो इनको वो हर्ट हो जाएगा. वहां पे हर्ट हो रहा था, मतलब कि ये चीज हम ईगो से कैसा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. ईगो ईगो में कुछ भी नहीं रहेगा. एम्प्टी वेजल्स कैन मेक नॉइज, दैट इज ईगोइज्म. हॉटी इज समथिंग लाइक गोल्ड कॉइन, समथिंग कैरेक्टर, समथिंग फीचर्स ही पोसेस, एंड ही डजंट वॉन्ट एनी इनजस्टिस in and out which should harm him or which should breach his contented nature. And confident and courageous person by this protected nature, when these people are around him, he feels confident and he feels courageous with them. But when it goes out of that nature, that zone, then he becomes other person. This is basic and positive nature of the remedy. And whenever he is with them, whenever he is going out with these people, he becomes exhilarated. Itna exhilarated hota hai ki puchiye bhi mat. Inka chehra pe wo dikh raha tha. Aisa. Now, when he suffers from this zone, he starts suffering. Pehle betrayal hota hai. Aur friendship deceived, love disappointed, mortification. Isko koi bhi अगर ये जोन्स पे डैमेज किया हो या इंजूर किया है, ब्रीच किया है, देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. देन द चेंज्ड पर्सनालिटी. अभी आप देखिए, पहले ऐसा नहीं रहता था. इनको कुछ इरिटेबिलिटी नेचर, ऐसा गुस्सा, गुस्सापन, ये कुछ नहीं रहता था. लेकिन अभी ऐसा बदल गया है माहौल. Irritability talking from others. Abhi friends badal gaya others. He doesn't want to be conversed with anyone. Conversation mein aap kuch sunne ka prayas bhi nahi kar sakta hai inhe. Kyunki pura andar wahi bhar gaya hai. Wahi bhar gaya hai ki maane ke he doesn't want to take in anything. Just sit idly. Anger night midnight. Midnight ka matlab ye hota hai ki जब आप रेस्ट लेने का जगह आता है, आपका एनर्जी लेवल्स जीरो के नीचे होता जाता है. आपका सर्केडियन रिदम में डॉन एंड डस्ट साइकिल रहता है, उसमें आप रेस्ट का फेज में जाना है. लेकिन वो टाइम पे इन्हें गुस्सा पे है, क्योंकि अभी इनके कोई भी कनेक्शंस नहीं है, कोई भी फ्रेंड्स नहीं है. तो उनको वो जगह में एंगर आ रहा है, खुद पे एंगर आ रहा है और दूसरों पे एंगर आ रहा है. इतना ड्वेल कर रहा है पास्ट इवेंट्स के बारे में, ग्रीफ के बारे में, ग्रीफ फ्रॉम पास्ट इवेंट्स. बिकॉज इन्हें खुद बोला है, मैंने जाके रोया हूं सर. और रिकॉल्स ओल्ड ग्रीवियंसेस, डेल्यूजन्स डिस्पाइज्ड, उन लोग क्या किया है इनके साथ, बहुत नेगेटिव किया है, बहुत हर्ट किया है. हार्ट इज रॉक. 4.5 साल से किसी से अभी दोस्ती नहीं कर रहा है. एक दोस्त की वजह से किसी से अभी दोस्ती नहीं कर रहा है. चीटेड, इन्हें चीट किया है, मुझे बिट्रायल किया है, डिसीव्ड किया है, इंजुरी बीइंग इंजुर्ड. अभी इनको लग रहा है वर्ल्ड इज क्रूएल. दिस इज बिकॉज
हर जगह इनको वही दिख रहा है, वही दिख रहा है, चीटिंग ऑफ द रिलेशनशिप्स, नेगेटिविटी ऑफ द लाइफ, नथिंग पॉजिटिव. माँ ऐसा है, बाप ऐसा है, पिताजी ऐसा, सॉरी भाई ऐसा है, और जो मुझे फ्रेंड्स मिला है वो भी ऐसा ही है. और ये लोग क्या किया है, ट्रिक किया है इनको, पैसों के लाला, पैसों के बारे में इस्तेमाल करके इनको छोड़ दिया है. ये सब थॉट्स लेके इन्हें अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर एक क्या बोलते हैं, युद्ध चल रहा है, एक वॉर. वॉर इज नॉट वन डे फ्रेंड्स, दिस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. फाइट इज फॉर ए लिमिटेड टाइम, बट वॉर इज नॉट दैट. वॉर में आप जिंदा रह सकता है या मर जा सकता है, इतना लेवल पे जा सकता है. कुरुक्षेत्र युद्ध बोलता है, रोड साइड स्ट्रीट फाइट बोलता है, दिस इज द डिफरेंस. स्ट्रीट फाइट वी डोंट इन्वॉल्व फॉर एजेस, बट इन ए वॉर वी इन्वॉल्व फ्रॉम जनरेशंस. दैट इज द थॉट प्रोसेस. बिकॉज ऑफ दैट एवरी टाइम ही इफ ही वॉन्ट्स टू मिंगल विथ एनी वन, बट हिज थॉट्स आर सेइंग नो 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 नो, दीज आर स्नेक्स, दीज पीपल आर लाइक स्नेक्स, दैट्स वाई फियर ऑफ पीपल. Hated, revenge, malicious, wants to strike, who betrayed him. Agar kisi ne inko, sorry, who has cheated him, who has betrayed him, he wants to take revenge on them. But that is not going to happen to them because of his sensitive nature. He has he is not having that confidence levels now. और अभी आप पिक्चर भी देख सकते हैं, इतना अच्छा पिक्चर है कि ही हैज गिवन लव ओनली. लव इज दैट व्हाट ही इज बीइंग फीडिंग. द लास्ट रूब्रिक यू कैन सी एंजाइटी कंसर्न्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स, व्हाट वी फीड विथ आवर सेल्फ. माइंड के लिए इमोशंस चाहिए, फिजिकल बॉडी के लिए फूड चाहिए, बिकॉज दीज इमोशंस नरिशेस आवर मेंटल वेल बीइंगनेस, फूड नरिशेस आवर फिजिकल वेल बीइंगनेस. सो एक पर्सन इज like feeding the plant, but what that plant is doing to him, it is eating in him return. That is the problem, that is the things he is always conscious. That is why he is not able to make any friends. People who offend, he wants to kill them. That is the highest degree of punishment one can give to others, but aisa nahi ho sakta hai. And finally what happens to him? Detached. He is being with the people, but he is not connected. That is a detached nature. Attached and detached. Pehle attached tha, itna attached tha ki ab inko divide, separates nahi kar sakta tha. Lekin abhi inhe kud attached rehne se bhi un logon se kuch bhi hai, wo rishta nahi hai, wo jo cementing of the relationship, wo love nahi hai. This is estranged. Jo log pehle mera tha, abhi है, लेकिन वो मेरा नहीं है. विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी. एक पर्सन ने चीट किया है, शायद उनका नेचर ऐसा होगा, लेकिन हर व्यक्ति, हर पर्सन ऐसा नहीं रहता है. लेकिन इनका दिमाग में ऐसा घुसा है कि हर बंदा ऐसा ही है, हर आदमी ऐसे ही रहेगा. दे ओनली वॉन्ट मनी. दिस इज कमर्शियलनेस ऑफ द रिलेशनशिप. देर इज नो इमोशंस एज सच. दिस इज Stabbed feeling. See, कितना अच्छा सा दिखा रहा था, पीछे से मार रहा था. युद्ध में जो भी कर रहा, जो भी रहता है ना, सामने से युद्ध करो, सामने से वार करो, ये पीछे से किया तो वो बुजदिल आदमी है. लेकिन इनको लगता है हर आदमी पीछे से ही वार करेगा. दिस इज द फीलिंग, दैट इज माई ट्रिक्ड फीलिंग. ट्रिक माने क्या है, एक मैजिशियन करता है ट्रिकिंग फीलिंग. आपके सामने एक जलाता है, उसे एप्पल निकलता है, एक जलाता है और एक पीजन को निकलता है. दिस इज अ ट्रिक नेचर. ही जस्ट मेक्स एन इल्यूजन इन फ्रंट ऑफ यू. यू कैन नॉट बिलीव योर आईज व्हाट यू आर सीइंग. दैट इज द थिंग विच हैपेंस विद दिस पर्सन. फाइनली ही डिजायर्स सिंपथी, एम्ब्रेस, वॉन्ट्स टू टॉक टू समवन. Sadness, conversation amelioration. Sadness, आपको क्या है ये, और एक रूब्रिक रहता है. Sadness में इतना चाहिए कि उनको खाली एक conversation चाहिए.
एक कंपनी चाहिए, सैडनेस कंपनी एमलरेशन, दिस इज द कंडीशन, दिस इज रस ग्लैबरा। वेरी गुड, वेरी गुड। या लास्ट, दुश्मन ना करे दोस्त, ये ने ये काम किया है, दिस इज द, एक सॉन्ग भी रहता है इसका, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। सो दिस इज रस ग्लैबरा माय फ्रेंड्स। एक जिस्ट बता देता हूं मैं आपको, सिंपल सा। पहले बंदा रहता है बहुत नेचर लविंग पर्सन, व्हाट इज नेचर, नेचर डजंट एक्सपेक्ट इन रिटर्न, बट इट गिव्स ऑन, इट गिव्स ऑन। आप भू माता को देख सकते हैं, आप उनको पोल्यूट करिए फिर भी आपको अच्छा फल ही देता है, लेकिन वेन इट गेट्स आउट ऑफ द लिमिट देन यू यू विल सफर द प्रॉब्लम्स, दैट इज द नेचर। दिस पर्सन इज एज सच वेरी सेंसिटिव पर्सन, वेरी सेंसिटिव पर्सन। इतना लेता है, इतना देता है, इतना देता है, लेकिन इन्हें कुछ चाहिए, खाली सिंपति चाहिए। इन्हें इतना प्लीज कर रहा है, इतना प्लीज करने के बावजूद भी इनको क्या चाहिए, 1% ऑफ रिटर्न ऑफ लव, बट दैट इज नॉट हैपनिंग। एक उंगली पकड़ के चलने वाला आदमी चाहिए, जब इन्हें नीचे गिरता है तब चाहिए, लेकिन ऐसा जिंदगी में कोई भी नहीं इनको सहारा देने वाला। जो भी मिल रहा था वो इनको लूट रहा था, स्पॉइल कर रहा था, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ दिस रेमेडी। इनको ऐसा लगता था कि मैं किसी को भी प्रॉब्लम नहीं देता हूँ, किसी को भी हर्ट नहीं करता हूँ, दैट इज अ सेंसिटिविटी ऑफ दिस पर्सन, इट डजंट वॉन्ट टू हर्ट एनी वन, बट वेन इट हैपन्स विथ हिम ही कैनॉट टेक इट, फ्रॉम देन ही सफर्स मोर मोर मोर। एवरी पर्सन ही विल सी लाइक ए स्नेक, दैट इज द क्लासिकल प्रेजेंटेशन। द वेरी नियरेस्ट रेमेडी टू दिस रेमेडी रस ग्लैबरा इज नैट्रामोल। मेनी टाइम्स वी फील लाइक अगर एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड है, एक लव फेल हुआ है, एक फ्रेंडशिप के साथ धोखा दिया है, और एक बिट्रेल हुआ है एक रिलेशनशिप में, एक मॉडिफिकेशन चल रहा है, तो वो टाइम पे आप सोचता है कि शायद ये नैट्रामोल है, बिकॉज व्हाट माइंड नोस वी सी दैट रेमेडी ओनली इन प्रैक्टिस। सो आपको लगता है कि शायद ये नैट्रामोल ही होगा, मैंने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन डॉक्टर मिलिंद नाइक सर की सेमिनार में मैंने सुना है ये रेमेडी के बारे में, तो उससे मुझे रस ग्लैबरे के बारे में पता चला है, और कृष्ण कुमार सर की बुक में पढ़ा हूँ मैंने, तो उसके बाद और एक एंगल दिखा है, तो इन दोनों की वजह से मैंने ये रेमेडी को अच्छा सा समझा हूँ और उसके बाद प्रैक्टिस में भी अप्लाई किया है। द लास्ट थर्ड फॉलो अप में आई हैव गिवन हिम 1 mg एंड फ्रॉम दैट ही वॉज कम्प्लीटली ऑल राइट एंड ही डजंट हैड एनी प्रॉब्लम आफ्टर दैट सिंस 2.5 years ही इज वेरी गुड बिकॉज इन द 2019 एंडिंग ओनली ही हैज केम टू मी अगस्त में, तो अभी 3 साल चल रहा है, ही इज वेरी गुड एंड ही इज नाउ इन अ गुड पोजिशन एंड ही इज डूइंग रियल एस्टेट बिजनेस ऑल्सो। पहले उसको कॉन्फिडेंस भी नहीं था जब उन्हें हर्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्हें अच्छा सा रिलेशनशिप्स बना के अभी ही इज इन ए गुड पोजिशन। सो एनी वन हैज एनी डाउट्स? तो दगाबाज दोस्तों के लिए किसी के लिए कोई क्वेश्चन है? नहीं, जो भी इतना छोटा भी डाउट रहे तो भी आप बता दीजिए, क्योंकि ये रेमेडी आपको जब नैट्रामोल फेल होता है आपका ये कंडीशंस में, यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी, नॉट एनी ओनली फेल्यूर ऑफ नैट्रामोल, बट बिफोर गिविंग नैट्रामोल फ्रॉम दिस 4 rubrics from these conditions in the sense, then you can think of this remedy as a DD also. और नैट्रामोल एक एक्सक्लूसिव पर्सनैलिटी अपने आप को सोचता है और एक डिग्निफाइड सोचता है। ये डिग्निफाइड नहीं, ये आखिरी में कहता थोड़ा सा प्यार मिल जाए बस, पैसा मिले या ना मिले। हाँ, और म्यूरियाटिक कॉम्प्लेक्स का एक खासियत ये है कि ही वांट्स मदर लाइक लव, बट इन रस ग्लैबरा फादर लाइक लव चाहिए। फादर पकड़ता है, उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, मदर नरिश करता है। दिस इज नैट्रामोल, दिस इज रस ग्लैबरा, दिस इज अनदर डिफरेंशिएशन। गुड गुड। हाँ
हेलो यस बोलिए सर। सर उसमें रसगुल्ला सुपर पवन सर। हाँ सर पवन हाँ बोलिए सर सर सुन रहे हैं। बहुत 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 अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहा, बहुत अच्छा केस था। थैंक यू सर। पूरा केस सुनने के बाद तो फील आता, लेकिन मैं बीच में रहा तो इसलिए मुझे पूरा फील नहीं मिल पाया, लेकिन रस के अगला अंतिम में बहुत अच्छा फील आया। थैंक थैंक यू सर। यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं ओपनली। सर एक बार लेगेसीज के साथ डीडी करेंगे क्या? या तो लैगेसिस ऐसा नहीं रहेगा मैम। लैगेसिस का प्रॉब्लम होता है हीट ऑफ द सन, इट इज फादर से गुस्सापन से उन्हें फादर को नहीं लेता है, एक स्मूथ कैरेक्टर चाहिए उनको लाइफ में। लेकिन लैगेसिस का प्रॉब्लम ऐसा रहेगा कि एक पैशन पैशन को ले लेता है अपना, वो पूरा अंदर जो भी गुस्सा या ये रिवेंज नेचर को एक पैशन की ओर लेके किसी को पकड़ लेता है। और लैकेसिस में आप रिवेंज को एक्शन में देख सकते हैं, एंड हार्म किल ट्रैप अदर पर्सन एंड गिव द सेम व्हाट ही हैज टेस्टेड, ही विल गिव दैट बिटरनेस टू देम, ही विल गिव दैट पॉइजन टू देम। बट रस ग्लाबर ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि उतना दम नहीं रहता, उतना क्या बोल सकते हैं आप, रिवेंज के लेके पकड़ के ऐसा नहीं बैठ सकता है। क्योंकि अभी ये केस में भी आप देख सकते हैं, अगर यही पे लैगेसिस रहेगा बोले तो ही टेक दैट मनी बाय हुक और क्रुक, ही इवन मे गो फॉर गिविंग वार्निंग्स टू देम बाय अदर मीन्स ऑफ पॉसिबल वेज, बिकॉज ही विल बी इन दैट जोन। बट रसग्लाबर ऐसा नहीं रहेगा, छोड़ देगा, ही गो एंड सिट्स एंड क्राइज फॉर दैट वे ऐसा। ओके थैंक यू। वेंजफुल रहेगा लेकेसिस, किल डिजायर पे रहेगा लेकेसिस, बख्शूंगा नहीं छोड़ दूंगा, मुझे लाइफ में मजा चाहिए, मेरा पैसा वापस कर। बाय उपकार क्रुक व्हाट एवर वे, आप मनी को नहीं छोड़ सकते हैं लैकेसिस, क्योंकि जब इन्हें आयाशी कर रहा है वो मेरा फ्रेंड है वहां तक ही रहेगा, जब ये उल्टा बदल गया है मतलब कि आप उनको दुश्मन बन गए हैं, तो उससे क्या होता है उन्हें आपको एनिमी जैसा देखता है, और एनिमी को हाउ ही विल ट्रीट द सेम थिंग टू दैट पर्सन, दैट इज द लैगेसिस नेचर, चुप ओके नहीं बैठेगा। थैंक यू सर। इसके बहुत थैंक सारे यू डॉक्टर पॉइंट्स साहब, थे। सो नाइस के, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। वेल एक्सप्लेन्ड। हाँ बहुत बढ़िया केस हुआ पवन। थैंक यू मनोज सर। हाँ इसका एलिमेंट्स ऑफ बिट्रेड फ्रॉम बीइंग जो है ना, एंड फ्रेंड्स हाँ ऑफ सर। डिसीट, ये इसका कोर रहता है हमेशा, ये बिट्रेड वाली फीलिंग विशेषकर फ्रेंड से, जहाँ फ्रेंड्स ने डिसीव किया है ना वहां रस ग्लैबरा मैंने देखा है बहुत ज्यादा आता है। और पीठ में इसका छुरा भोंका गया। हाँ क्योंकि इसका मेन ही डेल्यूजन बिट्रेड दैट हिज, और उसके साथ में यदि फ्रेंड्स ने किया हो तो मोस्टली रस ग्लैबरा का ज्यादा होता है, कि फ्रेंड से डिसीव करना, फ्रेंड ने जब डिसीव किया वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो बहुत ही अच्छा केस था, वंडरफुल। थैंक तो किसी को और कोई क्वेश्चन या मीटिंग खत्म करें? आपके केस में ये बहुत बहुत अच्छी रूब्रिक इसमें आएगी, और ये आएगा कि नहीं हाँ आप देख लो, डेलुजन ट्रिक्ड बींग। सर आया था सर। हाँ सर इस रूब्रिक का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो और अच्छा रहेगा। एंग्जायटी कंसाइंस एंग्जायटी ऑफ ईटिंग हैबिट्स अबाउट या सर। सो एंग्जाइटी कंसर्न्स का मतलब ये चेंज्ड पर्सनालिटी में आता है सर। पहले ऐसा कुछ नहीं रहता है क्योंकि फ्रेंड्स इज फ्रेंड्स फॉर हिम। फ्रेंड्स व्हाट गिव्स यू सर, ही फ्रेंड्स गिव यू एक पॉजिटिव इमोशन। आपको जब भी आप नीचे झुक जाता बोले तो, वहां पे लो स्पिरिटेड रहता बोले तो, फ्रेंड्स आपको ऊपर उठाता है। तो आप ये लेता है कि एक पॉजिटिव इमोशन उनसे लेता है, एक प्यार ले लेता है, एक बॉन्डेज ले लेता है। दिस इज ईटिंग, दिस इज नरिशमेंट फॉर आर मेंटल थिंग, मेंटल वेलबींग। फिजिकली व्हाट वी ईट फूड इज लाइक दैट इज फॉर आर बॉडी, बट फॉर मेंटल इट इज इमोशंस। वहां पे जो इमोशंस इनको मिल रहा था
he is not able to filter them. Is he talking with me in a positive manner? Is he giving me the true sense of his nature? इसको ये फिल्टर करने में नहीं हो रहा था, इसलिए उसको कंसेंस बोल रहे शायद तू फिर वैसे ही होगा, ये रवि ने ऐसे किया है, ये मदन ने ऐसे किया है, किसी ने ऐसा किया है, तो आपका मन में वही रहेगा, वही फील आएगा, तो हर बार इनको लगेगा नहीं मैं किसी से नहीं मिलूंगा, किसी से जुड़ पाऊंगा, आई डोंट वॉन्ट टू मिंगल बिकॉज ऑफ दिस कॉन्शियसनेस, कॉन्स्टेंट कॉन्शियसनेस इनको दूसरा रिलेशनशिप में जाने का इजाजत नहीं देता है, दिस इज कंसेंस। ओके सर, थैंक यू। सर इनके इतने सारे फ्रेंड्स थे बट रस ग्लाबरा ना ही अफेक्शनेट में है और ना ही अफेबिलिटी में है, तो हम क्या रूपिक सोच सकते हैं फिर उसके लिए? देखिए मोर देन 100 फ्रेंड्स, या तो आप हर रेमेडी में रूब्रिक्स के जैसा मत देखिए ना, बिकॉज दीज रूब्रिक्स आर ऑल पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स। जो भी अफेबिलिटी रहेगा डल का हमारा पर्सन आप देखे तो यू डोंट फील लाइक ही इज अफेबल इनिशियली, सॉरी इन द लेटर फेजेस ही इज वेरी इन द स्टार्टिंग फेजेस में इज वेरी अफेबल पर्सन, मतलब कि दैट इज रिलेटेड विथ सम पर्पस। आप रूब्रिक देखा है तो डल का हमारा में पर्पसफुल एक रूब्रिक रहता है, तो पर्पसफुल के साथ ये अफेबल होता है, आप समझ रहे हैं ना? तो अफेबल में जो भी दवा रहता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है, ये रस ग्लाबरा में ऐसा कुछ नहीं रहता है, इट जस्ट वॉन्ट्स टू गिव मदरली सॉरी दिस अर्थली लव, बट अफेबल में ऐसा नहीं रहेगा। आप अफेक्शनेट में भी देखो, अफेक्शनेट का मतलब क्या रहता है, आप अफेक्शन दे रहे हैं तो मतलब आप अंदर से एक सोच आता है आपको शायद ये अफेक्शन मुझे मिलेगा होगा, लेकिन यहाँ पे ही इज नॉट गिविंग अफेक्शन, ही इज गिविंग लव, एग्जॉल्टेड लव, दैट इज आप अगर एक लिमिट बोल सकता है, एक लिमिट इज नॉट देयर फॉर दिस पर्सन, ही विल गिव अनलिमिटेड लव, दैट इज हिज प्रॉब्लम। You can enter with the exalted love, ma'am. अगर आप रूब्रिक के बारे में ही सोचता बोले तो you can try with exalted love, but you should confirm it in and out. Okay. तो आज की क्लास यहीं खत्म करें।